हेलो नमस्कार दोस्तों, आज हम बताएंगे हॉरिजॉन्टल टैंक में डीजल का लेवल किस तरह से चेक करते हैं। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन हमारा। वॉल्यूम ऑफ डीजल टैंक, ये हॉरिजॉन्टल सिलेंडर टैंक 550 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 224 सेंटीमीटर वेट इज फिल्ड अप टू द डेप्थ ऑफ 10 सेंटीमीटर। फाइंड वॉल्यूम ऑफ डीजल इन दिस टैंक। हमारा जो हॉरिजॉन्टल टैंक है 550 सेंटीमीटर लंबा है और 224 सेंटीमीटर यानी कि वेट है उसका, जो डाया है 224 mm है, और जो डीजल भरा हुआ है ना वो 10 सेंटीमीटर भरा हुआ है टैंक के अंदर। जो 10 सेंटीमीटर डीजल भरा हुआ, हमें डीजल का वॉल्यूम देखना कितना है। ठीक है, अब हम एक स्केच तैयार कर लेते हैं, छोटा हो गया, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, समझ में नहीं आएगा, इसको हल्का बड़ा कर लेते हैं हम, फिर छोटा हो गया, ये हो गया, इतना ही काफ़ी है। चलो ये हो गया, अब इसको हम ये टैंक हो गया, ये 550 सेंटीमीटर हो गया, ये जो डॉट डॉट है ये डीजल भरा हुआ है, ये 10 सेंटीमीटर इसकी वो है, 10 सेंटीमीटर रही है जो डीजल भरा हुआ है इस टैंक के अंदर। ठीक है, डीजल फील्ड है ये, 10 सेंटीमीटर डीजल फील्ड है। ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गया। अब इसका जो आर होगा वो कितना होगा, इसका आधा हो जाएगा, 224 का आधा। ठीक है, ये आर हो गया हमारा 112, 112। ठीक है, अब उसके बाद लेंथ हमारा कोई सॉल्यूशन करते हैं हम इसको, लेंथ हमारा 550 सेंटीमीटर और इसका जो विड्थ है चौड़ाई है जो टैंक की वो है 224 सेंटीमीटर। अब फील्ड एरिया जो है इसका ये है 10 सेंटीमीटर, जो डीजल भरा हुआ है 10 सेंटीमीटर, जो नीचे डीजल भरा हुआ वो एरिया है इसमें, ये 10 सेंटीमीटर है। ये लाइन ये पॉइंट से यहाँ तक, फील्ड एरिया एक्स 10 सेंटीमीटर हो गया, फील्ड एरिया 10 सेंटीमीटर, टोटल कितना था इसकी, तो त्रिज्या थी 112 थी, और फील्ड है 10, त्रिज्या 112 है, तो हम इसको मान लेते हैं, अब जो इसको पॉइंट मान लेते हैं हम इसको, इसको इसको ओ मान लेते हैं, इसको यहाँ पर एम मान लेंगे हम लोग, इस बिंदु को एम मान लेते हैं, ये ए हो गया, ये बी हो गया हमारा, तो हमारा ओ एम जो है ये देखना हमारा कितना ही, तो टोटल त्रिज्या 112 है माइनस 10 सेंटीमीटर, ठीक है, बराबर 102 आ गया इसका एम का और ओ का। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब हमारा एक ये बन जाएगा कौन, यहाँ से एक ये बन गया, ठीक है, ओ एम निकल गई हमारी। अब हमारे को करना है बी एम बराबर और ये अंडर रूट 112 का होल स्क्वायर माइनस 102 का होल स्क्वायर जो बचा हुआ है हमारा बी एम, तो ये आ गया हमारा, कैलकुलेशन कर लेते हैं हम। अब
कैलकुलेशन हो गया माइनस, अब इसका कर लेते हैं 102 इंटू 102, ये 10,404 आ गया हमारा। अब इसको हम माइनस कर देते हैं, 1254 माइनस 1, ये नहीं 10 आना था ना, 41 हो गया, गलत हो गया सॉरी, ये आ गया हमारा 2140। ओके, इसका अंडर रूट कर लिया। अब इसका अंडर रूट कितना आ गया, 46.26। ठीक है, अब हमारी यहाँ से यहाँ तक की दूरी आएगी एम बी, एम से बी एम की आएगी, तो ए बी की हमारी कितनी हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी आ गई 46.26। अब हमें ए बी की दूरी करनी है, ए बी की हो जाएगी इसका डबल हो जाएगा ना, बी एम 2 इंटू बी एम, 2 इंटू 46.26 बराबर, ये आएगा हमारा 2 4.6 इंटू 2, 92.52, 92 आ गया। ठीक है, अब ये हमारे को पता लग गया, ए बी हमारी पता होगी, यू 102 है जो इसके लेंथ है, ओ एम 102 थी, हमने भी देखा ना। अब हमने क्या करना है इसमें, अब एरिया एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी का, इसका होता है इसका 1/2, ये ए बी इंटू ओ एम, ए बी इंटू ओ एम, ये हाफ का हो गया ना, तो 1.4 ए एम, ए बी का मान 92.6 और ओ एम का मान था 102, ओ एम का था 102। ठीक है, अब इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं, 0.5, 0.5 × 7.5 102, ये आ गया हमारा 4718 52, ये इतना आ गया, ये हमारा हो गया समीकरण एक, कौन ए ओ बी का मान आ गया, इसको लिख लेते हैं कहीं को। अब हमारे को निकालना है एरिया ऑफ सेक्टर, सेक्टर है ना ये ए पूरा, ये सेक्टर का हो जाएगा हमारा, ये हो गया। अब एरिया ऑफ सेक्टर निकालना हमारे को, ये स्केच बना लेते हैं छोटा सा जी, ये ओ ए बी, ओ ए बी का पूरा सेक्टर, तो ये होता है कोस थीटा बराबर 102 अपॉन 112, जो त्रिज्या हमारी है। ठीक है, अब इसको काट लेते हैं, कितना आएगा ये, अब इसको काट के कितना आएगा देख लेते हैं, 102 को 112 से, 102 112, ये आ गया कोस थीटा बराबर, कोस इनवर्स थीटा इधर आ गया, तो कोस इनवर्स 0.91। अब 0.91 का मान कोस इनवर्स में देख लेते हैं कितना होगा, कोस इनवर्स 90, ये हो गया 24.49, ये आ गया इसका मान। अब हम देखेंगे कोण ए ओ बी, कोण ए ओ बी, ए ओ बी, ए ओ बी कोण हो गया, कोण ए ओ बी होता है 2 इंटू, ए ओ बी कितना था, ये है ना थीटा, 24.49 बराबर, ये हो गया हमारा 48.98, ये आ गया हमारा। ठीक है,
अब हम इसमें ये हो गया 2 × 4 9, ये हो गया हमारा। ये अब इसको हम यहाँ से पकड़ लेते हैं, हमारे पास इतना स्पेस नहीं है बोर्ड पे। प्लीज़ आप नोट कर सकते हो जो भी है इसको। अब हम इसका एरिया ऑफ सर्कल, अब हम एरिया ऑफ सर्कल निकालेंगे पूरा, कितना इसका एरिया है सर्कल का, सर्कल का एरिया का पाई आर स्क्वायर बराबर आर कितना है 112, 112 का होल स्क्वायर। तो पाई इंटू 112, 112 गुणा कितनी होगी, कर लेते हैं मोबाइल से अभी, रुको एक मिनट, 112 इंटू 112 तो ये आ गया 12544। इसका पाई का मान 3.14 होता है, इसको आपस में आप जब मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये देखिए आप, अब ये जो आया 3938816 16, ये हो गया आपका, ये सर्कल की एरिया निकल गया आगे पूरे की। अब हमें निकालना है एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर में होगा ये जो सर्कल की एरिया आई है वो लिख देंगे यहाँ पर 0.16 इंटू एल कोण ए ओ बी अपॉन 360, ठीक है 3938 8.16 इंटू ये कितना है ए ओ बी कितना है 48.98 अपॉन 360। अब हम इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं आपस में, 3938 16 इंटू 48.98 डिवाइड 360, ये आ गया हमारा 5358.97 5358.97 ये आ गया, ठीक है फ्रेंड्स। जो भी है ये इसको आप अगर इसको अपनी कॉपी बताना चाहते हो तो उतार लीजिए, क्योंकि हमारे पास बोर्ड पे इतना स्पेस नहीं है। मैं इसको अभी मिटा रहा हूँ अगले स्टेप के लिए, यहाँ मैं इसको सफा कर देता हूँ, ये मैंने सफा कर दिया। अब हमें निकालना है इसमें एरिया ऑफ सिगमेंट, सिगमेंट ये होता है नीचे का जो भरा हुआ है हमारा, जो भरा हुआ है सिगमेंट है हमारा, ये जो डीजल भर रहा है ना जिस एरिया में, वो सिगमेंट हो गया हमारा 10 सेंटीमीटर जो था वो, ये सिगमेंट है हमारा, इसको निकालना। तो सिगमेंट निकालने के लिए सेक्टर माइनस ट्रायंगल, इसका पूरे का सेक्टर का एरिया हो जाएगा माइनस ट्रायंगल का एरिया, तो हमारा कहेगा सेगमेंट का एरिया आ जाएगा वो। इसका मान रख लेते हैं अब जब सेक्टर का मान अब इसमें रख लेते हैं 5363.8 माइनस ट्रायंगल कितना था हमारा, ट्रायंगल का मान रख लेंगे इसमें 4718.52, ये हो गया, ये हमने सेक्टर मान निकाल लिया था पहले, ठीक है लिख लिया था कागज पर इतना, और ट्रायंगल का इतना था शुरू में आई थी समीकरण, तो इसका अब हम माइनस कर देते हैं कितना बचेगा, ये 5363.8 माइनस 4718.52
ये आ गया हमारा 645.28, ये आ गया हमारा सेक्टर का मान। ठीक है, ये सेक्टर की एरिया आगे निकल कर हमारी। अब हम करना है क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ डीजल सर्कल माइनस सेगमेंट, सर्कल माइनस सेगमेंट, सर्कल का कौन था 39388.16, माइनस सेगमेंट का आया 645.28, 645.28। अब इसको माइनस कर लेते हैं इसमें से, 39388.16 माइनस 645.28, ये आ गया हमारा 38742.88। ठीक है, अभी आ गया। अब हम इसको सफा कर लेते हैं दोस्तों, क्योंकि हमारे पास इतना स्पेस नहीं है, इसको हमें सफा करना होगा। ये हमने सफा कर लिया है, तो ये जो आया हमारे पास, ये जो विदाउट सिगमेंट एरिया वो है, ये जो सिगमेंट हमारा 10 सेंटीमीटर उसको छोड़ कर ये एरिया का निकल रहा है। तो वॉल्यूम बराबर एरिया इंटू लेंथ, तो एरिया कितनी थी हमारी 39388.16 इंटू 550 सेंटीमीटर। अब इसके आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया हमारा 121666348 सेंटीमीटर की क्यूब, इसका पूरक आ गया ये। ठीक है, पूरक आ गया। अब हम निकाल लेंगे वॉल्यूम, ओ वॉल्यूम विदाउट सिगमेंट, सिगमेंट छोड़कर जितने का भी वॉल्यूम वो निकाल लेंगे हम इसका ऊपर वाले का। इसमें क्या करना है, 38747.45.88 इंटू 550, इसका जितना आ जाएगा ये आ गया आपका, ये आ गया हमारा 2131024, ये विदाउट सिगमेंट वाले का आ गया। अब हम टोटल वॉल्यूम में से विदाउट सिगमेंट वाला वॉल्यूम माइनस कर देंगे, वॉल्यूम ऑफ सिगमेंट ये आएगा, वॉल्यूम ऑफ सिगमेंट। टोटल वॉल्यूम कितना आया हमारा, ऑल टैंक का वॉल्यूम जो था ये 21663488 माइनस 21310234, ये आ गया हमारा। अब इसको हम घटा लेंगे आपस में, इस मोबाइल में थोड़ा लाइट नहीं चमक पा रही, पता नहीं क्या दिक्कत है, मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ दिखे मगर नहीं दिखा पा रहा हूँ। इसमें घटा का आ जाएगा हमारा 353 इतना, ये आ गया घटा। अब हम लीटर में इसको कन्वर्ट करते हैं, तो हमने 1000 से इसको भाग करना पड़ेगा, 353254/1000, तो ये आ गया हमारा 354.24 लीटर्स आ गया। इसका जो वॉल्यूम आया वो आया 353.24 लीटर्स, ये वॉल्यूम आ गया हमारा। ठीक है दोस्तों, एक स्टेप तो ये, एक स्टेप और है इसका थोड़ा सा, इतना लंबा न करके हम वहीं पर सिगमेंट की, जो सिगमेंट का एरिया आया उसको हम ये जो लेंथ है इससे अगर डिवाइड कर देंगे तो वहीं पर वॉल्यूम निकल जाएगा इसका, ये भी हमें करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब देख लेते हैं उसका कितना क्या आ रहा है एक बार,
इसको हमें सपा करना पड़ेगा। अब हम इसको मिटाएंगे, मिटाना पड़ेगा। अब हम इसको मिटा लेते हैं। मिटा कर से फिर निकलेगा आराम से। ये मिटा लेते हैं, हम मिटा लेते हैं इसको, पूरे एरिया को। दोस्तों अभी इस वीडियो में मैं इतना ही बताऊंगा, मगर मैं आपको एक वीडियो बनाऊंगा कंप्यूटर द्वारा, उसमें दिखाऊंगा कि कैलिब्रेशन चार्ट हम किस तरह से बना सकते हैं फॉर्मूला रख के किसी भी हॉरिजॉन्टल टैंक के लिए, जो आपके लिए बहुत ही लाभदायक होगा, बहुत ही ज़्यादा। ये जो हमारा इसका जो एरिया आया था सिगमेंट का, इनटू लेंथ कर देंगे, तो हमारा ये जो डीजल से फिल्ड है टैंक 10 सेंटीमीटर, उसका कैपेसिटी निकल के आ जाएगी। ये देखो, सॉरी दोस्तों, ये मोबाइल की बहुत ही ज़्यादा हो रही है, चमक नहीं पा रहा है कुछ। अगर आप इसकी गुणाई से करो इतना ही आएगा, ये आएगा 354904 लीटर को कन्वर्ट कर देंगे 1000 से, तो ये आ गया 354.9 लीटर्स, ये आ गया। दोस्तों अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसको चैनल को कृपया सब्सक्राइब कर लें, और मेरी वीडियो जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।